हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो फूरियर सीरीज है इससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन को कौन से कॉन्सेप्ट से और कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोग, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है क्वेश्चन, मान लीजिए फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है जब लिमिट हमारी क्या हो, जीरो से टू पाई हो। सेकेंड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जब लिमिट हमारी माइनस पाई टू पाई हो। इस क्वेश्चन में चेंजेज ये हो सकता है कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है कि या तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो या फिर क्या हो, एक्स प्लस स्क्वायर हो। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा। ये तीसरा वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो और जो लिमिट हमारी हो माइनस पाई टू पाई। ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ये एक्स क्यू भी हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है और एक्स क्यू क्या आपका ऑड फंक्शन है, और लिमिट हमारी क्या है, माइनस पाई टू पाई हो। फोर्थ, इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स लिमिट हमारी क्या हो, माइनस पाई टू पाई हो। थर्ड एंड फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स हो और लिमिट हमारी क्या हो, माइनस पाई टू पाई हो। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स कॉस एक्स। तो ये मतलब सेम कॉन्सेप्ट होंगे, बस फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, है ना। साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, जो भी फॉर्मूले उसका उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है पहला वाला, दूसरा वाला क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो, इसको एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के हिसाब से पूछा सकता है। थर्ड वाले क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पे एक्स क्यू होगा, लिमिट सेम होगी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, इसके जगह पे एक्स कॉस एक्स होगा। और नेक्स्ट उसके वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाफ रेंज सीरीज के या हाफ रेंज साइन सीरीज और चेंज ऑफ इंटरवल से किस किस टाइप से क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। और ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, लिमिट हमारे जीरो से टू पाई। और इन क्वेश्चनों में भी लिमिट हमारे जीरो से टू पाई हो सकती है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हमारा क्या हो, माइनस पाई टू। हाँ, लेकिन जनरली 99% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिमिट हमारी क्या होती है, जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वही लिमिट हमारी क्वेश्चंस में दिया होता है। तो आते हैं पहले एक बेसिक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इवन है और लिमिट हमारी दी है जीरो टू टू पाई। तो हमें फोरियर सीरीज बनानी है, और फोरियर सीरीज के लिए हमें क्या निकालना होता है, फोरियर सीरीज होती क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू ए वन कॉस एक्स ए टू कॉस टू एक्स ए थ्री कॉस थ्री एक्स डॉट डॉट बी वन साइन एक्स बी टू साइन टू एक्स बी थ्री साइन थ्री। ये आप लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि बी फोर साइन फोर एक्स। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नॉट, और ए वन ए टू कहाँ से निकलेगा, ए वन ए टू ए थ्री ए एन की वैल्यू से, सिमिलरली बी वन बी टू बी थ्री बी एन की वैल्यू से। तो ए नॉट के लिए जब भी लिमिट हमारी जीरो टू टू पाई हो तो क्या फॉर्मूला होता है, वन अपॉन पाई जीरो टू टू पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो वन बाई पाई जीरो टू टू पाई, और एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया आपका एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वन बाई पाई, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू
0 to 2 pi. This can be also written as 1 upon pi. 2 pi square मतलब 4 pi square by 2. 1 pi से pi cancel हो गया, 2 से 2 cancel हो गया. It means a naught की जो value आ गई, क्या आ गई? 2 pi. अब हम किसकी value निकालेंगे? an की value निकालेंगे. तो an equal to क्या होता है? इसी formula में जो आपका a naught वाला formula है, यदि हम उसको cos nx से मल्टीप्लाई कर देंगे, fx इनटू cos nx इनटू dx, दिस कैन बी रिटेन एज 1 by पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई. fx की वैल्यू क्या है? x है, x cos x cos nx इनटू dx. अब यहां पे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, और आपको पता ही है, आइलेट पढ़ा होगा आप लोगों ने, जब भी एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक को तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं और सेकंड फंक्शन इसको मानते हैं. और एक मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं इंटीग्रेशन का. 1 by पाई, फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड वाले को इंटीग्रेट करो, तो cos इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin nx by n, माइनस का साइन, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, तो x का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1, और sin को इस वाले को दूसरे वाले को जाएगा इंटीग्रेट करो, sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos nx by n square, और लिमिट हो गई हमारे 0 टू 2 पाई. ठीक है, फिर से बता दे रहा हूं, पहले वाले को एजिटी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस का साइन, फिर फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, और जो इंटीग्रेट करके आया है फिर उसी को इंटीग्रेट करो, तो साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस cos nx by n square, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन की साइन 0 भी 0 होता है और sin 2 pi भी 0 होता है, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा? 0, तो दिस कैन बी रिटेन एज माइनस माइनस प्लस cos nx by n square, लिमिट हो गई 0 टू 2 pi, 1 by pi, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos 2n pi माइनस cos 0 by n square, तो 2n pi भी 1 होगा, cos 0 भी 1 होगा, 1 by pi, 1 minus 1 by n square, तो ये total value क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. bn की value find करें, तो कुछ नहीं, formula में क्या कर देंगे? 0 to pi fx, 2 pi fx sin nx into dx, 1 by pi, 0 to 2 pi, fx की वैल्यू क्या है आपकी? x है, x into sin nx into dx, 1 by pi, वही सेम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, पहले वाला को छोड़ दो, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos nx, ये इनटू है माइनस cos nx by n, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट करो तो x का 1, और इस पूरे को इंटीग्रेट करो तो माइनस का साइन रहेगा और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, लिमिट हो गए 0 टू 2 पाई. तो फिर ये वाला टर्म साइन 0 भी 0, साइन 2 पाई बाई 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0. दिस कैन बी रिटन एज, माइनस को बाहर लिख लें, 1 बाई पाई एक्स कॉस एन एक्स बाई एन 0 टू पाई, इसके रिटर्न माइनस 1 बाई पाई, पाई पुट करेंगे तो पाई इंटू क्या हो जाएगा? कॉस एन पाई, और 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और कॉस एन पाई की वैल्यू बी एन इक्वल टू माइनस 1 के पावर एन होता है. नीचे सारी वैल्यू क्या हो गई? कैंसिल हो गई, तो अब बी एन निकल गया, तो एन बराबर 1 पुट कर दूं तो बी 1 निकल जाएगा, तो b1 हो गया माइनस 1, n बराबर 2 पुट कर दूं तो b2 निकल जाएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस 1, तो ये 1. सिमिलरली n बराबर 3 पुट कर दूं तो b3 निकल जाएगा, ये b2, इसके हेल्प से हमारा b1, तो b3 भी क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का 1. सिमिलरली n बराबर 4 पुट के b4 भी निकाल सकते हैं. तो हम जो सीरीज बनाएंगे क्या है? fx इक्वल टू a0 by 2, n वाला टर्म तो 0 है तो लिखने का भी मतलब ही नहीं है,
बी वन साइन एक्स बी टू साइन टू एक्स प्लस बी थ्री साइन थ्री एक्स। तो ए नॉट की वैल्यू हमारी क्या आई थी, चेक करते हैं, 2 पाई आई थी। ए नॉट की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई बाई टू, बी वन हमारा माइनस वन तो साइन एक्स, बी टू हमारा 1 तो साइन टू एक्स, बी थ्री हमारा माइनस वन तो साइन थ्री एक्स। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो सीरीज हमारी जो बन गई है fx इजकल टू पाई माइनस साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन थ्री एक्स डॉट डॉट डॉट। ओके, तो हमें कुछ प्रूफ भी करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं या पाई पुट करते हैं या 2 पाई पुट करते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, है ना, इस सिंपल क्वेश्चन से मैंने कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो fx = x² है ये मैं डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।